गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू एडी स्मार्ट क्लासेस। आई एम योर इंग्लिश मेंटर स्वाति त्रिपाठी। चलिए हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। हम आज रिवीजन कर लेते हैं जो हमने नाउन्स के रूल्स और नाउन्स के कुछ फैक्ट पढ़े थे, उसके बेस पे हमने कुछ एरर्स फाइंड आउट किए हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं। उनको एक बार हम प्रिपेयर कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारी क्या प्रिपरेशन है। तो हम अपने सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस हमारा क्या है? पहला सेंटेंस हमारा, कैन नॉट यू सी दैट द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड सो यू कैन नॉट प्ले देयर। पहले आप देख लीजिए इसमें क्या एरर है, आप एक बार फाइंड आउट कर लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं इसमें क्या एरर है, कैसे करना है। जैसे कि आप देख रहे हो, कैन नॉट यू सी दैट द कैटल इज ग्रेजिंग। अभी हमने उस दिन बात की थी, वॉट इज द मीनिंग ऑफ कैटल। कैटल क्या होता है? कैटल का मतलब क्या होता है? कैटल का मीन्स वो जानवर, उन जानवरों का समूह जो क्या करते हैं, जो घास को चरते हैं। दोज एनिमल्स हु ईट्स ग्रास, जो क्या करते हैं, केवल घास खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कैटल। तो कैटल जो है वो प्लूरल फॉर्म होती है, तो क्या हो जाएगा? कैन नॉट यू सी दैट द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो क्या हो जाएगा? जब कैटल प्लूरल हो जाता है तो प्लूरल के साथ प्लूरल फॉर्म आएगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर हो जाएगी? आपके बी पार्ट में एरर हो जाएगी। क्या हो जाएगा? इसकी जगह हम आर का यूज़ कर लेंगे। ग्रेज मतलब चरना, तो क्या हो जाएगा? कैन नॉट यू सी दैट द कैटल इज ग्रेज, इसकी जगह क्या हो जाएगा? आर ग्रेजिंग इन द फील्ड सो यू कैन नॉट प्ले देयर। वहाँ पर क्या है? जानवर चल रहे हैं, इसलिए आप वहाँ पर क्या नहीं कर सकते हो? उस फील्ड में आप जाके खेल नहीं खेल सकते हो। समझ में आया? तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ दोज कैटल, सेम है। अब आप इसमें एरर बताइए क्या है? इफ दोज कैटल, कैटल के आगे साथ में आर भी दिया, तो अब इसमें क्या एरर हो जाएगी? इफ दोज कैटल्स आर योर्स, हुज आर दीज वंस। अगर वो कैटल आपकी हैं तो ये, जैसे दो जगह पर दो ग्रुप में कैटल्स हैं, यहाँ पर भी कैटल और यहाँ पर भी कैटल है, कहा जा रहा है कि अगर ये कैटल आपकी है तो ये वाली कैटल किसकी है? तो कैटल मीन्स, अभी हमने बात की थी, ग्रुप होता है, प्लूरल होता है, तो कैटल के साथ कभी भी हम एस का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये खुद ही अपने आप में प्लूरल होता है, नंबर्स ऑफ एनिमल्स की बात होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैटल्स की जगह कैटल हो जाएगा। कैटल मीन्स वो जानवर जो केवल घास खाते हैं, ग्रास। दो एनिमल्स हु ईट ओनली ग्रास। समझ में आया? तो हम नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, द जेंट्री ऑफ मुंबई डज नॉट लाइक खान एट द इवन दो ही हैज अ नंबर ऑफ गुड मूवीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जेंट्री क्या हो जाएगा? द जेंट्री, जेंट्री जो है आपका, जैसे आपने उस दिन पढ़ा था, जेंट्री, पीजेंट्री, इन सबको क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इनके साथ आप कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं यूज करते, हमेशा डू वर्ब की क्या फॉर्म आएगी? प्लूरल फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डू, डू नॉट लाइक सलमान खान ऑल मूवीज ऑल इवन दो ही हैज द, मतलब वो जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ की बात की जा रही है, नाउन की बात की जा रही है यहाँ पर आपके, जब भी आप देखते हो ऑफ लगा होता है, ऑफ हमेशा दो नाउन के साथ ऐड होता है। द जेंट्री ऑफ मुंबई, जो मुंबई की जेंट्री है वो क्या करती है? सलमान खान को नहीं पसंद करती है। क्यों? तब भी, और इवन ऑल दो मतलब तब भी नहीं पसंद करती है। कब नहीं पसंद करती? हैज अ गिवन अ नंबर ऑफ गुड मूवीज, जबकि उसने बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में अच्छी मूवीज दी, उसके बाद भी उसको नहीं पसंद करती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जेंट्री ऑफ मुंबई डू नॉट हो जाएगा, डज नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम सो वी आर गोइंग टू द पुलिस स्टेशन। पुलिस ने उसको पकड़ लिया, इसलिए हम कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुलिस, पुलिस में क्या होता है, कितने लोग आते हैं? जब पुलिस आती है किसी के घर पे तो क्या बोलते हैं? एक पुलिस आई है, दो पुलिस आई है, ये बोलते हैं ना, एक पुलिस मैन आया है या दो पुलिस वाले आए हैं, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन जो पुलिस होती है, ये पर्सोनल्स की बात कर रही है, जो पुलिस के कर्मचारी होते हैं उनकी बात कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुलिस जो है आपका प्लूरल फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा? पुलिस के एक सिंगुलर वर्ड की तरह नहीं, अगर आप इसको सिंगुलर की तरह यूज़ करेंगे तो आप पुलिस मैन करके यूज़ करेंगे, लेकिन केवल अगर हम पुलिस की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द पुलिस हैव अरेस्टेड, अरेस्ट मीन्स किसी को पकड़ लेना। जब पुलिस किसी को पकड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं? पुलिस हैव अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, सो वी आर गोइंग टू द पुलिस स्टेशन। तो हम कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, साइंस हैज प्रूव्ड दैट इवन वर्मिन,
डिजीजेस, डिजीज मतलब अभी उस दिन हमने बात की थी, डिजीज मीन्स होता है बीमारी, तो यहाँ पर क्या एरर हो जाएगी, साइंस हैज प्रूव्ड, साइंस ने ये प्रूव किया है, इवन वर्मिन, जो वर्मिन है जो छोटे छोटे जंगली जीव होते हैं, कैरीज डिजीज, यहाँ पे क्या करते हैं वो क्या करते हैं अपने साथ डिजीज बीमारियाँ कैरी करते हैं, जो पौधों को स्पेशली जो हार्म पहुँचाते हैं, जो पौधों के साथ छोटे छोटे जंगली जीव होते हैं वो क्या करते हैं उनको हानि पहुँचाते हैं, मीन्स उनके लिए हार्मफुल होते हैं। तो आपने हिंदी निकाली सेंटेंस की क्या निकला, हार्मफुल होते हैं, मीन्स प्लूरल होता है। साइंस हैज प्रूव, साइंस ने प्रूव किया दैट इवन वर्मिन, वर्मिन जो है आपके छोटे छोटे जानवर होते हैं, ये प्लूरल फॉर्म होती है, ये क्या होता है इसका प्लूरल होता है। तो इसके साथ क्या हो जाएगी एरर, प्लूरल के साथ क्या हो जाएगा, कैरीज की जगह कैरी हो जाएगा, ये आपने वर्ब में पढ़ा होगा, जब सिंगुलर आपका नाउन होता है या सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जैसे प्लेज। और अगर आपकी नाउन जो है आपका प्लूरल होता है तब आप क्या यूज़ करते हो, डू या फिर प्ले, रीड, टीच। छोटे के आप इसको ऐसे भी आंसर कर सकते हो, छोटे के साथ बड़ा और बड़े के साथ छोटा आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइंस हैज प्रूव दैट इवन वर्मिन कैरी डिजीज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरी अपने साथ क्या करते हैं, कैरी करते हैं डिजीज को। तो किस पार्ट में एरर हो जाएगी, सी पार्ट में आपके एरर हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस्टरडे शी गेव मी सेवरल पीसेस ऑफ एडवाइसेस विच हैव रियली प्रूव्ड एलेक्सियर टू मी, अभी हमने उस दिन पढ़ा था कि एडवाइसेस इंफॉर्मेशंस न्यूज़, इनकी हिंदी क्या होती है, एडवाइसेस मीन्स आपको कोई अगर सलाह देगा तो आप बोलोगे उसने मुझे दो सलाह दी, सलाहें तो दी, ऐसा तो बोलोगे नहीं, सूचनाएं दी, सूचना सेंटर होता है ना, इंफॉर्मेशन सेंटर होता है, न्यूज़ होता है, ये कभी भी अपने साथ प्लूरल फॉर्म नहीं यूज़ करते हैं। अगर आपको इनका प्लूरल बनाना है तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, पीस, ही हैज़ गिवन मी अ नंबर ऑफ एडवाइस, या ही हैज़ गिवन मी पीस, टू पीस ऑफ एडवाइसेस, टू आपकी क्या बोल सकते हैं, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, पीस ऑफ न्यूज़ हो जाएगा, बट कभी भी आप एडवाइसेस नहीं बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, एडवाइस हो जाएगा, ही हैज़ गिवन मी पीस ऑफ एडवाइस, उसने मुझे क्या दिया है, एडवाइस दी है, एडवाइसेस नहीं होगा। विच हैव रियली प्रूव्ड एलेक्जियर टू यू, जो मुझे सच में वाकई में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम अपना, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, दीज फर्नीचर्स ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, ये जो फर्नीचर्स है काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं, दिस इज़ वाई दे आर सो एक्सपेंसिव। वॉट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसिव का ऑपोजिट क्या होता है और एक्सपेंसिव का मीनिंग क्या होता है, आप इसका ऑपोजिट मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, कॉस्टली, और इसका ऑपोजिट आप कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आपको कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अपना सेंटेंस, दीज फर्नीचर्स आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं नाउन क्या है, फर्नीचर हमारा नाउन है क्योंकि हम फर्नीचर को देख सकते हैं, दिस इज़ वाई दे आर सो एक्सपेंसिव, इसलिए क्या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अभी उस दिन हमने बात की थी फर्नीचर क्या होता है, फर्नीचर में क्या आता है, जो सामान आपका वुड से बना होता है, दोज थिंग दैट इज मेड अप ऑफ वुडन, जो वुड से बना होता है उसको क्या बोलते हैं हम, जैसे कि बेड, चेयर, टेबल्स, तो आप क्या बोलोगे, अगर किसी कारपेंटर ने टेबल्स बनाई है तो आप बोलोगे उसने टेबल्स बनाई है, उसने चार टेबल्स, फोर टेबल्स है, चेयर्स बनाई है, लेकिन अगर हम फर्नीचर की बात करते हैं तो उसकी फर्नीचर की शॉप होती है ना कि फर्नीचर्स की, फर्नीचर मीन्स ही हो जाता है कि नंबर ऑफ, आप कितने भी नंबर्स में बनाओ लेकिन अगर आप यूज़ करोगे तो क्या बोलोगे, फर्नीचर बोलोगे, फर्नीचर मीन्स वुड का जो भी सामान होता है उसमें, वो एक भी हो सकता है और थाउजेंड्स में भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीज फर्नीचर आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, दिस इज़ वाई दे आर सो एक्सपेंसिव, ये जो फर्नीचर है, जो भी लकड़ी का सामान है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी यूज़ की गई है, दैट इज़ वाई ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा आपके एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्नीचर की जगह फर्नीचर्स की जगह फर्नीचर हो जाएगा, कभी भी हम फर्नीचर में एस नहीं यूज़ करते, ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई हैव हर्ड दैट यू आर शिफ्टिंग टू अ न्यू क्वार्टर एट अंधेरी, अंधेरी कहाँ पर लोकेटेड है,
सबसे पहले तो ये बताइए अंधेरी कहाँ पर लोकेटेड है, और उसके बाद देखते हैं आई हैव हर्ड, मैंने सुना है दैट यू आर शिफ्टिंग, कि आप शिफ्ट कर रहे हो, मैंने ये बात सुनी है कि आप शिफ्ट कर रहे हो, यू आर शिफ्टिंग टू अ न्यू क्वार्टर एट अंधेरी टुमारो। आप कहाँ शिफ्ट हो रहे हो, एक नए क्वार्टर की तरफ शिफ्ट हो रहे हो जो कहाँ पर है, अंधेरी में है। अंधेरी का ऑप्शन ही दिया है कि कहाँ पर, आपको ये तो बताना ही है कहाँ शिफ्ट, कब शिफ्ट हो रहे हो, कल शिफ्ट हो रहे हो, तो टुमारो आपका क्या हो जाएगा, टुमारो एडवर्ब हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं क्वार्टर की, क्वार्टर मीन्स क्या होता है आप सभी को पता ही होगा, आप सबका फेवरेट होगा ये तो। वैसे क्वार्टर मीन्स होता है 1/4, जब आप स्लीव्स भी स्टिचिंग के लिए देने जाते हो टेलर को तो आप बोलते हो ना क्वार्टर स्लीव रखिएगा, क्वार्टर मीन्स होता है 1/4, लेकिन यहाँ पर वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है, वो 1/4 में नहीं शिफ्ट हो रहा, क्वार्टर बोलते हैं जो रेजिडेंशियल पर्पज से आप क्वार्टर लेते हो उसको क्वार्टर्स बोलते हैं, बोलते हैं ना कि हमको क्वार्टर्स अलॉट हो गए हैं, तो क्वार्टर्स मीन्स क्या होता है, जब आप रेजिडेंशियल पर्पज़ की बात कर रहे हो तो वो जो आपको रहने के लिए अलॉट किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्वार्टर्स बोलते हैं, ना कि क्वार्टर बोलते हैं। केवल अगर हम क्वार्टर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा आपका, और अगर हम रहने के लिए रेजिडेंशियल पर्पज़ की बात करें तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, क्वार्टर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या एरर हो जाएगी, आई हैव हर्ड दैट यू आर शिफ्टिंग टू अ न्यू क्वार्टर्स एट अंधेरी, और आपका क्वार्टर्स जो है वो सिंगुलर ही रहेगा, इसको आप प्लूरल की तरह नहीं यूज़ करोगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट वुड यू लाइक टू से इफ वन आस्क्स यू एनीथिंग अबाउट द इंडियन फोर्स, अगर आपसे कोई भी कुछ कहता है आप क्या कहना पसंद करोगे, अगर कोई आपसे इंडियन फोर्स के बारे में बात करता है तो इंडिया में कितनी फोर्स है, इंडियन फोर्सेस के नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, पुलिस फोर्स, आपकी आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, ये सारी फोर्स हो जाएंगी ना। फोर्स का अगर केवल आप उसकी बात करो, फोर्स मीन्स क्या होता है, स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, वो अलग फोर्स हो जाता है, फोर्स के दो मीनिंग हो जाते हैं, एक आपकी स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, ताकत की बात कर रहा है, आप में जो शक्ति है उसकी बात कर रहा है, दूसरा आप फोर्स क्या बात कर रहे हो, ये नाउन की तरह हो जाता है, फोर्सेस, जब आप अगर फोर्सेस की बात करो इंडियन में क्या है, फोर्सेस है ना, क्या हो जाएगा, पुलिस फोर्स, आर्मी फोर्स, ये सब क्या हो, इन सबको मिला के आप प्लूरल बना रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्सेस हो जाएगा। व्हाट वुड यू लाइक टू से, आप क्या कहना चाहोगे इफ वन आस्क यू, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है, वन के साथ, वन क्या आपका सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पे देखिए आप अभी बताया तो छोटे के साथ बड़ा, सिंगुलर के साथ सिंगलर ही वर्ब आएगी, इसमें एस ऐड हो जाएगा, ठीक है, यू एनीथिंग अबाउट द इंडियन फोर्सेस हो जाएगा, आप इंडियन फोर्सेस के बारे में क्या कहना चाहोगे, जो भी भारतीय आपकी ये शक्तियां हैं, पुलिस फोर्स है, आर्मी है, नेवी है, इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, अगर आप इनको सिंगलर की तरह यूज़ करते हो तो केवल आप अगर एयर फोर्स की बात की जाती तो आप केवल एयर फोर्स यूज़ करते तब आपका सिंगुलर हो जाता कि आप इंडियन एयर फोर्स के बारे में क्या कहना चाहते हो, लेकिन आप भारतीय सेनाओं के बारे में क्या कहना चाहते हो तो सेनाओं के लिए क्या हो जाएगा, फोर्सेस हो जाएगा। व्हाट वुड यू लाइक टू से इफ एनीवन आस्क यू अबाउट एनीथिंग अबाउट द इंडियन फोर्सेज, आप इंडियन फोर्सेज के बारे में क्या कहना चाहोगे, समझ में आया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा और फॉरवर्डेड स्पीड में मत करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द वे टू पुणे, पुणे के वे को जाते हुए शी स्टॉप्ड सो मैनी टाइम, वो बहुत ज़्यादा रुक गई है, बहुत ज़्यादा बार रुकी है, शी स्टॉप्ड सो मैनी टाइम, बार बार रुकी है, टू एडमायर, एडमायर मीन्स क्या होता है, प्रेज, किसी चीज़ की तारीफ करना, एडमायर मीन्स प्रेज, तारीफ करना, द वेंडल, वेंडल सीनरीज ऑफ फ्लैंकिंग, अभी हम बात करते हैं अपने एरर पे, फ्लैंकिंग अलॉन्ग द मैकेडमाइज रोड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेंडल मीन्स होता है फ्रेश, जो आप कई बार रोड पर जाते हो आपको आसपास की जो सराउंडिंग दिखती है बहुत ज़्यादा प्लीजिंग दिखती है, तो वो होता है, उसके लिए वर्ड होता है वर्नल, फ्लैंकिंग रोड्स, फ्लैंकिंग मीन्स हो जाएगा आपका, फ्लैंकिंग वर्ड होता है, मीन्स होता है आपका जो आप रोड देख रहे हो ना, जैसे ये रोड पर आप देख रहे हो इस तरफ का जो एरिया, फ्लैंकिंग मीन्स हो जाता है जो आपके रोड के साथ जो साइड में सराउंडिंग जुड़ी होती है उसको बोलते हैं, मतलब एक तरफ इस तरफ और इस तरफ का जो एरिया है इसको बोलेंगे, एंड द मैकेडमाइज मतलब होता है जो आपकी आरसीसी वाली रोड होती है, इस टाइप की रोड होती है उसके लिए ये वर्ड यूज होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा बार रुकी, क्या देखने के लिए, सीनरी, दृश्य देखने के लिए या दृश्यों को देखने के लिए, तो सीनरीज की जगह क्या हो जाएगा आपका, क्या वर्ड यूज हो जाएगा, सीनरी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीनरीज की जगह सीनरी हो जाएगा। ऑन द वे टू पुणे शी स्टॉप सो मैनी टाइम्स टू एडमायर द वेंडरल सीनरीज, की जगह क्या हो जाएगा, सीनरी हो जाएगा,
समझ में आया। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपका क्या है। वुड यू प्लीज़ टेल मी हाउ मैनी सोप्स डू यू यूज़ इन अ मंथ। ये आपने अगर स्क्रीनशॉट लिया होगा तो वहाँ पे ये आपका एरर मेंशन होगा कि वुड यू प्लीज़ टेल मी, क्या आप मुझे बताओगे हाउ मैनी सोप्स। सोप्स का क्या है, सोप कभी भी हम प्लूरल फॉर्म में ऐसे नहीं यूज़ करते, हमेशा सोप यूज़ करते हैं। क्या आप मुझे बताओगे कि आपके पास सोप कितने बचे हुए हैं, जैसे सोप है, इन्फॉर्मेशन है, गार्बेज, रबेश, डेब्रिस, ये सब हैं जो आपके ये सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे और फंक्शन में इनका सिंगुलर की तरह रहेगा। वुड यू लाइक प्लीज टेल मी हाउ मैनी सोप डू यू यूज इन अ मंथ, कि आप कितने सोप एक मंथ में यूज़ करते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोप हो जाएगा, सोप्स नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंट यू नो हर एंगर इज़ एज डेंजरस एज द फ्लेयरिंग फायर। जैसे कि जलती हुई आग होती है उतना ज़्यादा उसका एंगर है, उसका एंगर कितना ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो एंगर क्या हो जाएगा, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या, उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा भयंकर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगर्स नहीं होगा, एंगर हो जाएगा, उसका जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे एंगर्स की जगह क्या हो जाएगा, एंगर इज, डोंट यू नो हर एंगर इज एज डेंजरस एज द फ्लेकिंग फायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंगर की जगह, एंगर्स की जगह एंगर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू गिव मी एट लीस्ट 5 ब्रेड्स टू ईट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप एरर देख के बताओ, 5 क्या होता है, 5 आपका नंबर है, 5 नंबर। आप किसी से 5 ब्रेड नहीं लेते हो, ब्रेड है जो आपका ये एक टुकड़े की तरह यूज़ होता है। तो आप क्या बोलोगे, कैन यू गिव मी 5 ब्रेड। तो अगर आपको ब्रेड को प्लूरल बनाता है तो क्या हो जाएगा आपका, लोफ्स। अगर हम ब्रेड की बात करें तो लोफ्स होता है जो आपने एक चैप्टर में भी पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, अ बेकर टू गोवा वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोफ्स हो जाएगा। कैन यू गिव मी एट लीस्ट 5 ब्रेड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या आप मुझे 5 ब्रेड दे सकते हो। इसका अगर आपको प्लूरल बनाना है तब आप लोव्स यूज़ करोगे, अदरवाइज ब्रेड को ब्रेड की तरह ही यूज़ करोगे। कैन यू गिव मी एट लीस्ट 5 ब्रेड टू ईट बिकॉज आई एम सो हंग्री, क्या आप मुझे 5 ब्रेड दे सकते हो, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ, बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं अब। 5 डेज अगो शी रिसीव्ड अ लेटर ऑफ एडवाइसेस हाउ टू गिव अ मेकओवर टू लाइफ। 5 दिन पहले, अब 5 डेज अगो, 5 दिन पहले, अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले, शी रिसीव्ड अ लेटर, उसको एक लेटर रिसीव होता है ऑफ एडवाइसेस। एडवाइसेस मीन्स, एडवाइसेस कोई वर्ड ही नहीं होता, एडवाइस मीन्स होता है सलाह, सजेशन देना। तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ड होता है तो सिंगुलर की तरह यूज होगा। अ फ्यू डेज अगो शी रिसीव्ड अ लेटर ऑफ एडवाइस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवाइस। अगर हमें एडवाइस को प्लूरल बनाना है तो हम क्या बोलेंगे, पीस ऑफ एडवाइसेस, पीस ऑफ एडवाइस। हम कभी भी एडवाइसेस नहीं बोलते हैं, पीस ऑफ एडवाइस हो जाएगा। अ फ्यू डेज अगो शी रिसीव्ड अ लेटर ऑफ एडवाइस हाउ टू गिव अ मेकओवर टू लाइफ। उसको कुछ दिन पहले ही एक लेटर रिसीव होता है जिसमें उसको सजेशन या एडवाइस दी जाती है कि आप अपनी लाइफ को कैसे, आप अपनी लाइफ का मेकओवर कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कमांडर इन चीफ्स आर अमंग दोज हु गेट हैंडसम सैलरी। जैसे कि हमने वर्ड पढ़ा था मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जब हम इनका प्लूरल बनाते हैं तो इनके लॉज में नहीं एक्सेप्ट करते हैं। जब आपका अगर कि सिस्टर है, दो एक से ज़्यादा सिस्टर है तो सिस्टर एक ऐड हुई ना, लॉ के मुताबिक बात की जाती है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिस्टर्स, मदर्स, तो सेम यहाँ पर हो जाएगा कमांडर्स, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका आर यूज़ हो रहा, आर मीन्स ये तो प्लूरल हो गया, यहाँ से आपको डिसाइड हो गया कि ये प्लूरल है। और यहाँ पे चीफ्स है जो सेना के प्रमुख है, कमांडर्स इन चीफ जो सेना के प्रमुख है, सेनाओं के प्रमुख नहीं है, सेना के जो प्रमुख है, मीन्स द कमांडर्स इन चीफ आर अमंग दोज हु गेट हैंडसम सैलरी। हैंडसम सैलरी मीन्स जिनको काफ़ी अच्छे अमाउंट की सैलरी मिलती है, जिनको सैलरी में बहुत ज़्यादा अमाउंट मिलता है, उनके लिए वर्ड हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा, एस नहीं होगा यहाँ पर। जैसे कि मदर्स इन लॉज हो जाएगा, यहाँ पे एस नहीं होगा, सिस्टर इन लॉ हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ होगा, यहाँ पर कभी भी हम एस का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओनली टुडे आई हैव कम टू नो दैट सनी हैज़ टू सिस्टर इन लॉज।
अभी हमने जस्ट अभी सेंटेंस किया था, वहां पर क्या था, कमांडर इन चीफ हो जाएगा, सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली टुडे आई हैव कम टू नो, मुझे आज ही पता चला है दैट सनी हैज, सनी के पास क्या है, सनी हैज टू सिस्टर इन लॉ, सनी की कितनी सिस्टर इन लॉ है, तो दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस की जगह क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा, सिस्टर नहीं होगा। आप सिस्टर को देख सकते हो ना, उसकी बहनों को देख सकते हो, चाहे वो आपकी सिस्टर इन लॉ हो या बायोलॉजिकल आपके रियल सिस्टर, आप सिस्टर को देख सकते हो, आप रूल को नहीं देख सकते हो ना, उसके मुताबिक भी हम समझ सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ हो जाएगा, जैसे कि मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये सब क्या हो जाएंगे, इनमें एस हमें ऐड करना होगा, तो पर्सन में ऐड करेंगे, ना कि हम रूल के मुताबिक ऐड करेंगे। तो हम अगला सेंटेंस देखते हैं, ही वॉज ग्रीटेड बाय ऑल द पासर्स, वॉट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीटेड, ग्रीट मीन्स किसी को स्वागत करना, वेलकम करना, ही वॉज ग्रीटेड बाय ऑल द पासर बाय नियर लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन, लक्ष्मी नगर कहाँ पर है आपका, लक्ष्मी नगर आपका दिल्ली में है, ही वॉज ग्रीटेड बाय ऑल द पासर्स बाय ऑल द, ऑल मीन्स प्लूरल हो गया आपका, वो जितने भी पासर्स थे उनके क्या कर रहे थे, ग्रीट कर रही थी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पासर्स बाय, मतलब पासर बाय मीन्स होता है जो वो लोग वहाँ से गुजरते हैं, जो आपके, आप कई बार स्टेशन या कहीं पर भी जाते हो तो आपके अगल बगल से जो लोग गुजरते हैं उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पासर्स बाय, तो इनका प्लूरल क्या हो जाएगा, पासर्स बाय। कई बार आपको एग्जाम में एरर ऐसे देते हैं कि यहाँ पर आपका लिख देंगे पासर और बाय, तो यहाँ पे एस नहीं यूज होगा, पासर्स बाय जो निकल रहे हैं उनमें एस यूज होगा ना, वो प्लूरल है ना, तो क्या हो जाएगा, पासर्स बाय हो जाएगा, शी वॉज ग्रीटेड बाय ऑल द पासर्स बाय नियर लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द जोधपुर को हाई कोर्ट हैज इश्यूड, जोधपुर हाई कोर्ट ने इशू किया हैज इश्यूड 5 समन्स, समन्स मीन्स क्या होता है, मीन्स होता है जब कोर्ट आपको, जब हाई कोर्ट आपको या जज आपको कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए जब आपको कोई लेटर देते हैं, इनविटेशन देते हैं, तो उसको बोलते हैं समन्स, इसको हिंदी में बोलते हैं बुलावा पत्र, तो इसका क्या हो जाएगा, ये इनविटेशन के लिए हो जाएगा, कोर्ट ने क्या किया, 5 समन्स दिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 समन्सेस, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, 5 समन्सेस, द जोधपुर हाई कोर्ट हैज इश्यूड 5 समन्सेस अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट मीन्स उसके अगेंस्ट में जाके, उसके अपोजिट होके, उसको प्रेजेंट होने के लिए दिए, सो फार बट ही हैज़ अटेंडेड नन ऑफ देम, लेकिन उसमें से उसने एक भी अटेंड नहीं किए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द जोधपुर हाई कोर्ट हैज़ इश्यूड 5 समन्सेस अगेंस्ट, 5 के साथ क्या हो जाएगा, 5 समन्सेस, अगर हम एक की बात करते हैं कि द जोधपुर हाई कोर्ट हैज़ इश्यूड अ समन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब समन्स की बात होगी, तब हम इसको इस तरह से यूज करेंगे अ समन्स, लेकिन अगर जब प्लूरल की बात हो रही तो 5 समन्सेस हो जाएगा, और अगर सिंगुलर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, आ समन्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथमेटिक्स आर अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु डोंट वर्क हार्ड, जो भी बच्चे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना चाहते उनके लिए क्या है, मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स आर अ, जब आपको यहाँ पे आ दिखा है, आ मीन्स 1, सिंगुलर की बात हो रही है तो मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स, यहाँ पे इससे नहीं देखेंगे, यहाँ पे मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स है, ये सब क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, लेकिन अगर हम मैथमेटिक्स के साथ कोई आप डिटरमाइनर या कुछ डेफिनेट तरह से यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे कि मेरी मैथ, माय मैथमेटिक्स, उसकी मैथमेटिक्स, द मैथमेटिक्स, तब हम इसको प्लूरल की तरह यूज़ करते हैं क्योंकि तब हमने इसको स्पेशल कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, तब हम आर का यूज़ करेंगे, बट अगर प्रॉपर हम सब्जेक्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, अगर यहीं पर हम माई कर देते या हिज कर देते तो क्या हो जाएगा, हिज मैथमेटिक्स, ही इज़ वेरी गुड इन, नॉट इज गुड इन मैथ, इस टाइप से यूज़ होता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सेम क्वेश्चन है, हिज मैथमेटिक्स आर अ वेरी आर अ वेरी गुड, सो शी विल श्योरली ऑब्टेन मोर देन 90 मार्क्स, तो क्या हो जाएगा, हिज मैथमेटिक्स, आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसके मैथमेटिक्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, उसके मैथमेटिक्स की, प्रॉपर एक सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, उस पर्सन के मैथमेटिक्स की बात हो रही है कि उसकी मैथ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो क्या हो जाएगा, हिज मैथमेटिक्स आर वेरी गुड, सो शी विल श्योरली ऑब्टेन, वो क्या है, 100% ऑब्टेन कर लेगी, यहाँ पे
तो की जगह क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हीज की बात हो रही है। हिज मैथमेटिक्स आर वेरी गुड। जब हम मैथमेटिक्स के साथ कोई भी आपका डिटरमाइनर या कुछ डिफाइन करके यूज़ करते हैं, तब हम उसमें क्या यूज़ कर देंगे, आपका आर हो जाएगा। हिज मैथमेटिक्स आर वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, जैसे कि हमने बात की थी कि पॉलिटिक्स है वो सिंगुलर होती है, सिंगुलर की तरह यूज़ करते हैं, बट अगर हम डिफाइन कर दें कि हमने स्पेशल कर दिया उसको कि कहाँ की पॉलिटिक्स की बात की जा रही है, जैसे राजनीति अलग हो, लेकिन अगर हम इंडिया की राजनीति की बात करें तो हमने उसको स्पेशल कर दिया, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। कहाँ की पॉलिटिक्स की बात हो रही है, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, इंडिया की पॉलिटिक्स की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया आर वेरी पैथेटिक बिकॉज पॉलिटिशियंस आर करप्ट। यहाँ के जो पॉलिटिशियंस बहुत ज़्यादा करप्ट एंड इनएफिशियंट, और वो कैपेबल नहीं है, वो अयोग्य नहीं है, ये सेंटेंस में कहा जा रहा है। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशल कर दिया वहाँ पर, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा। लेकिन पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। केवल अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका प्लूरल हो जाएगा। जैसे कि पॉलिटिक्स इज आउट ऑफ फैशन नाउ दीज डेज, इस तरह से यूज़ करेंगे तब हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे। पॉलिटिक्स की स्पेलिंग देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये आपके एरर में भी आती है कई बार। तो यहाँ पे सी एस हो जाएगा, ई नहीं होता इसमें, जैसे कि अभी मेरे से ही मिस्टेक हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी हैज़ ओनली टू इशूज वाइल हर सिस्टर हैज़ फोर ऑफ स्प्रिंग। इश्यूज़ मीन्स क्या होता है, इश्यूज़ मीन्स होता है जब आपको डाउट होता है तो आप बोलते हो इश्यूज़। इश्यूज़ यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन की बात हो रही है। शी हैज़ टू इश्यूज़ वाइल हर सिस्टर हैज़ फोर ऑफ स्प्रिंग, जबकि उसके बच्चे सिस्टर के ऑफ स्प्रिंग कितने हैं, तो फोर हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये एरर हो जाएगी, ऑफ स्प्रिंग में एस एड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट पीपल इन इंडिया नाउ लिव इन अ हाउस, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो घरों में रहते हैं, कैसे घर में रहते हैं, बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, जो किसका बना है, ईट का बना है। अभी उस दिन हमने बात की थी ब्रिक के साथ, कभी भी हम एस का यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रिक की बात होती है, ईट की बात होती है। बट अर्लियर इट वॉज नॉट लाइक दैट, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। अभी के टाइम पे क्या है, मोस्ट पीपल इन इंडिया नाउ लिव इन अ हाउस, आजकल के जो लोग हैं इंडिया में वो कहाँ रहते हैं, ईट के बने हुए घर पे रहते, ईटों के बने हुए घर पे नहीं रहते, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। What she told me to ask you that whenever you go to market, do get her some fruits. What she told me, उसने मुझे क्या बताया, to ask you, कि आपसे पूछा जाए, that whenever you go to market, जब कभी भी आप market जाओ, to get her some fruit, आप उसके लिए कुछ फल लेकर आओ। What is the meaning of fruits and fruit? आप simple से कह दो कि singular ये plural है, but नहीं, fruit means होता है फल। अगर आप एप्पल ऑरेंज बनाना वगैरह लेने जाते हो तो आप इनके लिए क्या बोलोगे कि मैं मार्केट फ्रूट लेने जा रहा हूँ, केवल सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे। और जो फ्रूट होता है आपका फ्रूट्स, ये आपका प्लूरल फॉर्म में तब प्लूरल नहीं है जब आप एस ऐड करते हो, इसका मीन्स होता है किसी चीज़ को आप जब काम करते हो, जब आपको मेहनत का फल मिलता है उसके लिए आप यूज़ करते हो, फ्रूट्स यूज़ करते हो। आई हैव ऑब्टेन द फ्रूट्स ऑफ My hard work, इस तरह से जब आप यूज़ करोगे तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रूट्स हो जाएगा। I have obtained the fruits of my hard work, यहाँ पर क्या हो जाएगा, What she told me to ask you that whenever you go to market, do get her some fruits, fruit हो जाएगा, fruits से यूज़ करेंगे, उसके लिए कुछ फल लेकर आओ। जब आप कुछ लगाओगे सम, आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर फ्रूट्स होना चाहिए, बट नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। You cannot rely on him. आप उस पर rely नहीं कर सकते because he is not true to his word. क्योंकि वो अपने शब्दों पर खरा नहीं उतर रहा है, क्योंकि वो अपनी बातों के लिए नहीं जाना जाता, वो अपने वर्ड के लिए नहीं जाना, जो मतलब जो अपनी बात वो कह रहा है वो अपने वर्ड के लिए ऑनेस्ट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यू कैन नॉट रिलाई ऑन हिम, वो आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते बिकॉज ही इज नॉट ट्रू टू हिज वर्ड, वो अपने शब्दों के लिए नहीं जाना, तो आप पे क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, वन हैज़ राइटली सेड, एक ने सीधी सी बात सही बात कही है, दैट द ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सुंदरता है, द ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, जो सुंदरता वो स्किन की गहराई में डिपेंड करती है, तो उसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस,
देर आर अ नंबर ऑफ इंडियन ब्यूटीज. अभी हमने सेंटेंस देखा ब्यूटी, और ब्यूटी का तो कोई प्लूरल बनता नहीं है, बट ब्यूटीज जब होता है तो प्लूरल की तरह यूज करते हैं. यहाँ पे जब हम सुंदरता की बात करते हैं तो उसके लिए हो जाता है, और ब्यूटीज क्या होता है जब हम किसी की क्वालिटी के लिए बात करते हैं, जब किसी की पॉजिटिव क्वालिटीज के लिए बात करते हैं तब यूज करते हैं. देर आर अ नंबर ऑफ इंडियन ब्यूटीज हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट. तो यहाँ पे बहुत सारी सुंदर जो है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्यूटी ही होगा, क्योंकि हम सुंदरता की बात कर रहे हैं. अगर हम किसी की क्वालिटी की बात नहीं कर रहे, जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तब ब्यूटीज का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, आई हैव एन अर्जेंट वर्क टू डू राइट नाउ सो कॉल मी बैक आफ्टर सम टाइम. मेरे पास बहुत अभी बहुत ज़्यादा अर्जेंट वर्क है, कुछ काम है, तो मुझे बाद में बात करना, तो इसमें कोई एरर नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूज़ वॉज सो शॉकिंग. अभी हमने पढ़ा था इंफॉर्मेशन, एडवाइस, इनके साथ कभी भी हम इसका यूज़ नहीं करते. सेम क्वेश्चन है न्यूज़ के साथ, कोई भी न्यूज़ है, कहते हैं ना समाचार आ रहा है, न्यूज़ आ रही है, तो क्या हो जाएगा, द न्यूज़ वॉज सो शॉकिंग. जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग, द न्यूज़ वॉज सो शॉकिंग दैट इट हैड डिप्रेस्ड हर टू बिट्स एंड शी डिसाइडेड टू लीव द टाउन. जो न्यूज़ है उसने उतना ज़्यादा शॉकिंग थी कि उसको इतना ज़्यादा उसने परेशान कर दिया कि उसको टाउन को ही छोड़ना पड़ा, टू लीव द टाउन, टाउन को ही छोड़ना पड़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी नीड टू चेंज दिस हाउस. हमको ये हाउस चेंज करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ रिपेयर. ये क्या है, रिपेयर से बहुत ज़्यादा बाहर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा. वी नीड टू चेंज दिस हाउस बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ रिपेयर, इसमें मरम्मत नहीं हो सकती है. हर हेयर्स आर नॉट सो स्ट्रेट एंड सिल्की एज योर्स बिकॉज शी डज नॉट टेक केयर ऑफ इट. यहाँ पे क्या कह रहा है, उसके बाल उतने ज़्यादा स्ट्रेट और सिल्की नहीं है. क्यों नहीं है, बिकॉज शी डज नॉट टेक केयर ऑफ, जैसे कि वो अपने बालों का ख्याल नहीं रखती ऑफ इट प्रॉपरली. जैसे कि आप अपने बालों का ख्याल रखते हो, यहाँ पे लिखा है ना, जैसे कि आपके बालों की तरह उतने सिल्की नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि आप उतना बालों का ख्याल नहीं रखती जितना कि आप बाल का ख्याल रखते हो. तो क्या हो जाएगा, बाल का ख्याल मीन्स हेयर, हेयर के साथ आप कभी भी हेल्थ का यूज़ नहीं करते हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हर हेयर आर नॉट सो स्ट्रेट, लेकिन फॉर्म क्या रहेगी आपकी, आर रहेगी, हर हेयर आर नॉट सो स्ट्रेट. कैन यू इमेजिन दैट शी हैज़ 52 पेयर्स ऑफ शूज़. आप क्या इमेजिन कर सकते हो, क्या उसके पास 52 पेयर्स, उसके पास क्या है, 52 पेयर्स ऑफ शूज़ है. आपको कई बार पेपर में दे देता है कि पेयर यूज़ कर देता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 52 पेयर्स ऑफ शूज़ हो जाएंगे, तो यहाँ ये एरर, कोई एरर नहीं है इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंजीत हैज़ बॉट 4 डजन ऑफ एग एंड 100 ऑफ पेंसिल्स फॉर हिज नेफ्यू. मंजीत क्या लेकर आया है, मंजीत हैज़ बॉट 4 डजन ऑफ एग एंड 100 ऑफ पेंसिल, और क्या लेकर आया है, 100 ऑफ पेंसिल लेकर आया अपने नेफ्यू के लिए. तो नेफ्यू मीन्स क्या हो जाएगा, भतीजा. तो अपने भाई के बेटे के लिए क्या लेकर आया है, 4 डजन ऑफ एग्स लेकर आया है, 100 ऑफ पेंसिल्स लेकर आया है. 100 ऑफ पेंसिल्स तो ठीक है, लेकिन 4 डजन को हिंदी में क्या बोलोगे, 4 दर्जन लेकर आया कि 4 दर्जनों लेकर आया, तो क्या बोलोगे, 4 डजन ऑफ, 4 डजन ऑफ एग लेकर आया है, ना कि 4 डजन ऑफ एग लेकर आया है, 4 दर्जन लेकर आया. नेक्स्ट, वुड यू प्लीज़ लैंड मी 5,000 रुपीज़. क्या आप मुझे 5,000 रुपये दे सकते हो. आपके में इस सेंटेंस में तो कोई एरर नहीं है, वैसे यहाँ पर आपको देता है 5,000, तो क्या हो जाएगा, 5,000 रुपये दे सकते हो या 5,000 रुपये, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5,000 हो जाता है. तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, यहाँ पर इसका यूज़ नहीं होता, ये आपको पेपर में ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ऑफ पीपल केम टू सी द फाइनल टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया स्टडे. तो क्या हो जाएगा, लैक्स ऑफ पीपल, हज़ार लोग आए कि हज़ारों लोग आए, तो अब बोलते हैं ना हज़ारों लोगों की भीड़ थी, तो क्या हो जाएगा, लैक्स ऑफ पीपल टू सी केम टू सी द टेस्ट मैच ऑफ बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. बिटवीन कब हम यूज़ करते हैं, ये भी यहीं पर देख लेते हैं, ये आपका प्रपोजिशन है. बिटवीन तब हम यूज़ करते हैं जब हम दो की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. अगर हम ज़्यादा की, दो से ज़्यादा की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, अमंग, उसको आप ध्यान रखिएगा कि बिटवीन कब होता है, दो के बीच में. और यहाँ पे मेन एरर आपकी क्या, लैक्स ऑफ पीपल, हज़ारों लोग आए. किसी भी सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करने का सबसे इजी वे है कि आप उसकी हिंदी फाइंड आउट कर लें. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं आपका, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, 30 मिलियन ऑफ पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया एंड आर गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग इन दिस रिगार्ड. 30 मिलियन लोग, यहाँ पे कोई एरर नहीं है शायद,
30 मिलियन, 30 मिलियन लोग क्या कर रहे हैं, आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो क्या है, पॉवर्टी लाइन से काफ़ी नीचे हैं, बट आर इंडियन गवर्नमेंट आर नॉट डूइंग, इज़ नॉट डूइंग एनी थिंग, जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो इसके लिए कुछ भी वर्क नहीं कर रही है, इज़ नॉट डूइंग एनी थिंग इन दिस रिगार्ड्स. रिगार्ड्स मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस का यूज़ होगा, इसमें एरर है, तो क्या हो जाएगा, इससे संबंधित, इससे रिलेटेड जो भी फील्ड है, जो भी वर्क किया जा सकता है, उसमें कोई भी वो वर्क नहीं कर रहे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एस का यूज़ हो जाएगा. 30 मिलियन ऑफ, 30 मिलियंस नहीं होगा, 30 मिलियन, 30 करोड़ों लोग या 30 हज़ारों लोग नहीं बोलते ना, 30 करोड़ या 30 हज़ार लोग बोलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 30 मिलियन, ठीक है, उसमें कोई एरर नहीं है, बट आपके यहाँ क्या हो जाएगा, थैंक्स रिगार्ड्स, इस टाइप से यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिगार्ड्स हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कैन यू ब्रिंग अ 10 इंचेस रूलर फॉर मी. आपने रूलर देखी है, स्केल देखी है, तो उसको क्या बोलते हैं, 10 इंच की रूलर बोलते हैं ना, 10 इंचेस की, 10 इंचों की रूलर तो बोलते नहीं है, 10 इंच वाली रूलर बोलते हैं ना, 20 इंच वाली रूलर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैन यू ब्रिंग मी अ 10 इंच ऑफ रूलर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंचेस नहीं हो जाएगा, कैन यू ब्रिंग मी 10 इंच ऑफ रूलर फॉर मी नाउ बिकॉज यू हैव टू फॉर मी बिकॉज आई हैव टू मेज़र समथिंग, मुझे कुछ भी मेज़र करना है, किसी चीज़ को मेज़र करना है, तो आप क्या मेरे लिए 10 इंच वाली रूलर ला सकते हो, 10 इंच रूलर, यहाँ पर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये इसके लिए एडजेक्टिव हो जाएगी, रूलर कैसी है, 10 इंच वाली है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 इंच की रूलर चाहिए, 20 इंच की रूलर चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू विल श्योरली गेट टायर्ड ऑफ यू If you take another 2 miles, you will surely get tired. आप सच में थक जाओगे, आप पक्का थक जाओगे, किस लिए, यू टेक, इफ़ यू टेक, अगर आप लेते हो क्या, another 2 miles walk now. अगर आप और ज़्यादा 2 मील की दूरी तय करते हो तो आप श्योरली थक जाओगे, तो 2 मील को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 2 माइल. आपने किसी भी क्वेश्चन का सबसे इजी तरीका अभी हमने बताया कि हिंदी निकाल लो. अगर आप 2 मील और ज़्यादा चलते हो, 2 मीलों और ज़्यादा चलते नहीं हो, 2 मील और ज़्यादा चल 2 मील चलते हो तो आप थक जाओगे. लेकिन अगर हम सेंटेंस की बात करें, माइल्स कब यूज़ करते हैं, जैसे कि हम किलोमीटर्स की बात करें, तो ये जब हम ऐसे बोले हज़ारों कदम चलने पड़ते तब हम माइल्स या किलोमीटर्स यूज़ करेंगे, बट अगर हम 2 की बात करें, 2 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 50 मीटर, तब हम क्या यूज़ करेंगे, केवल सिंगुलर यूज़ करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू विल श्योरली गेट टायर्ड ऑफ यू टेक के अनदर 2 माइल हो जाएगा, यहाँ पर माइल्स नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, नो मैटर हाउ एडवर्स द सिचुएशन इज, यू मस्ट नॉट स्टॉप योर स्टडी. कोई भी मैटर नहीं करता, मतलब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, एडवर्स मीन्स आपके ऑपोजिट, अगर कोई भी सिचुएशन आपके एडवर्स चल रही है, आपके विपरीत चल रही है, आपके फेवर में नहीं है, तो क्या है, यू इज नॉट मस्ट स्टॉप, आपको अपनी स्टडी को स्टॉप नहीं करना चाहिए, कितनी भी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब चल रही हो, तो यहाँ पे कोई भी, नो मैटर हाउ एडवर्स द सिचुएशन इज, कोई भी सिचुएशन आपके लिए कितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो, आपको अपनी स्टडी को स्टॉप नहीं करना चाहिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं है. नेक्स्ट, Having won the World Cup for 3 times on the trot, Australia must be in high spirits. Having won the World Cup for 3 times, 3 बार मैच जीतने के बाद भी, having won the World Cup 3 times, 3 बार मैच जीतने के बाद भी, on the trot, Australia must be in high spirit. वो बहुत ज़्यादा high spirit में, बहुत ज़्यादा excited है, बहुत ज़्यादा खुश है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3. Next question. She will have finished 2/3 of the work by the next month. For shows you can think of allotting another assignment. तो क्या है, 2/3 of work. Next question. She is good at English, so we can expect that she will get full marks in grammar. तो क्या बोल रहे हैं, शी इज़ गुड एट इंग्लिश, वो क्या है, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अच्छी है, सो वी कैन एक्सपेक्ट, हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट शी विल गेट फुल मार्क्स, उसके पूरे पूरे मार्क्स आएंगे, दैट वी गेट, शी विल गेट फुल मार्क्स इन ग्रामर. नेक्स्ट, माई मदर डज नॉट लाइक दो शॉर्ट ऑफ गाइज, इवन द लीस्ट कैन इन्वाइट दैम, उसमें भी कोई एरर नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन इज़ अ प्राउड प्रोडक्ट ऑफ द एनवायरमेंट, सो वी शुड कीप आर सराउंडिंग सेल्ब्रियस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सराउंडिंग्स हो जाएगा. Next, the rich is getting richer and richer at the and the poor are getting poorer. यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी हमने उस दिन बात की थी कि जब दो सेम नाउन हो
और बीच में उनके कोई भी प्रिपोजिशन दिया हो तो वहाँ पे हम उनका नॉर्मल फॉर्म यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, रिच एंड रिच। नेक्स्ट, द पुअर्स प्लाइट इन इंडिया इज़ वेरी पैथेटिक। जो इंडिया में पुअर की दशा है, जो उनकी कंडीशन है, वो बहुत ज़्यादा पैथेटिक है। सो वी मस्ट डू समथिंग, तो हमें कुछ करना चाहिए टू इम्प्रूव देयर कंडीशन, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। द पुअर प्लाइट इन इंडिया इज़ वेरी पैथेटिक, सो वी मस्ट डू समथिंग टू इम्प्रूव देयर कंडीशन। नेक्स्ट, ही हैज़ बीन वेरी काइंड इनफ टू गिव 5 million rupees टू अ पुअर फॉर देयर रिहैबिटेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू अ पुअर नहीं होगा, टू पुअर फॉर देयर रिहैबिटेशन। द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट एज पीसफुल। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द लाइफ ऑफ रिच, अमीर लोगों की लाइफ है, इज नॉट एज पीसफुल, उतनी पीसफुल नहीं है एंड प्लीजन एज दैट ऑफ पुअर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुअर की लाइफ दो बार हो रहा है ना, तो यहाँ पे एस नहीं यूज होगा, एज दैट ऑफ पुअर हो जाएगा। द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट एज पीसफुल एज प्रेजेंट एज दैट ऑफ पुअर हो जाएगा, पुअर्स नहीं।